नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो ईडी वाला दावा, हकीकत या दिखावा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने यह कहा कि कुछ दिन बाद मेरे घर ईडी का रेड होने वाला है। यह राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा। तो बड़ा दावा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की तरफ से संसद में उनके द्वारा चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की योजना बनाई जा रही। अब यह हकीकत है या फसाना, यह तो ऊपर वाला ही जाने या राहुल गांधी जाने, लेकिन उन्होंने यह दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में मुझे जानकारी दी। और उन्होंने पोस्ट कर क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह, उन्होंने कोट किया बकायदा 2-in-1, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही, बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। तो राहुल गांधी ने यह कहा कि चक्रव्यूह वाला बयान लगता है कि पसंद नहीं आया। अब सवाल यह है कि इस बयान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, तो आगे बढ़े उससे पहले आपको यह चक्रव्यूह वाला बयान सुनवा देते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस। तो यह चक्रव्यूह वाला बयान था जिसको लेकर उन्होंने बकायदा ट्वीट किया कि 2-in-1 को पसंद नहीं आया। उन्होंने यह कहा था कि हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिसे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद हम आएंगे तो हम यह करने वाले हैं, और एमएसपी का कानून बकायदा पारित करेंगे, जनगणना हम पास करके दिखाएंगे। और इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद सियासी खलबली मच गई। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सबको सतर्क किया है कि देखिए मेरे बयान से बीजेपी असहज महसूस कर रही है, इसलिए अब ईडी की कार्रवाई होगी ताबड़तोड़। तो विपक्ष इसको कह रहा है कि देखिए राहुल गांधी को पहले ही पता चल गया। सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि भाई राहुल गांधी का एक केजरीवाल वाला अवतार कहां था कि उनको समय से पहले सब कुछ पता चल जाता है। और फिर सवाल भी खड़े होने लगे कि भाई अंदरूनी से कैसे पता चल रहा है, ईडी में राहुल गांधी का खबरी कौन है जो उन्हें समय से पहले हुई घटनाओं के बारे में बता रहा है। जैसे केजरीवाल को पता चल जाता था कि बीजेपी अब यह करने वाली है, ईडी मेरे खिलाफ रेड करने वाली है, ईडी मेरे यहां 10वां सम्मन लेके आने वाली है, ये कैसे पता चल जाता था, और ये राहुल गांधी का केजरीवाल वाला अवतार कहां कब हुआ। तो अब आपको इस चक्रव्यूह वाले मामले में कुछ आरोप प्रत्यारोप, इस बयान के बाद, इस ट्वीट के बाद किसने क्या कुछ कहा, आपको एक बार ये भी सुनवा देते हैं। सुनिए, थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है।
हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस की। तो चोर के ऊपर रेट करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेट करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेट करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेट करेगी? कारण यह है कि वायनाड में कांग्रेस के कार्यकर्ता फेल हो गए हैं, कांग्रेस फेल हो गई है, कांग्रेस की नीतियां फेल हो गई हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसकी सरकार है। आज यदि भारत सरकार नहीं होती तो वायनाड में जो है लोगों का जान नहीं बचता। जिस आरएसएस को गाली दे रहे हैं वो आरएसएस के वॉलंटियर उसमें लगे हुए हैं, कांग्रेस के एक वॉलंटियर नहीं लगे हुए हैं। तो क्या डर है राहुल गांधी को? क्यों डर रहे हैं राहुल गांधी? हमको अगर कैसा मालूम हो जाता है या किसी कार्यकर्ता किसी भी छोटे आदमी को मालूम होता है कि ईडी आने वाला, तो आने दो ना। अगर हमारे खिलाफ कोई जानकारी होगी ईडी के पास तो आएगी, और क्या करना है करेगी। दोषी होगा तो कार्रवाई होगी, नहीं होगा तो छोड़ देगी। डरते क्यों हो? ऐसा अफवाह क्यों करते हो? ये सारा सिंपैथी लेने के लिए काम चल रहा है। राहुल गांधी जी फिलहाल अभी केवल नौटंकी करके खुद की इमेज बढ़ाने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए काम कर रहे हैं। ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। ये राजीव गांधी का बेटा है जिसने इस आधुनिक भारत का निर्माण किया है। न इसे डरा सकते हो, न इसे परेशान कर सकते हो, न झुका सकते हो। ये साहसी है, निडर है। पहली बार देखने को मिल रहा है लोकसभा में कि एक बहादुर नौजवान देश के किसानों मजदूरों की समस्याओं को उठा रहा है, नौजवानों की समस्याओं को उठा रहा है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ बोल रहा है। मैं समझता हूं देश का दुर्भाग्य है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं, सदन चल रहा है, सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं, दुनिया से जात का पूछते, अपना जात बचाने से भाग रहे हैं। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी ने पैदा लिया है। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं, तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। राहुल गांधी एंड द कांग्रेस हैव परफेक्टेड दिस स्ट्रेटजी दैट व्हेनेवर दे आर कंफ्रंटेड विद अ टफ सेट ऑफ क्वेश्चंस और इश्यूज दैट दे हैव नो आंसर्स फॉर, दे ट्राई एंड रिगल आउट ऑफ इट बाय क्रिएटिंग अ न्यू नैरेटिव। एंड अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सम मीडिया प्ले अलोंग विद दैट। And it is very clear that Rahul Gandhi, after his short appearance in Wayanad, where over 300 people have died, he is a sitting MP of Wayanad, twice elected by the people of Wayanad to look after their interests, to protect them, and has done nothing in the last many years. Today wants to wriggle out of the issue and scrutiny of Wayanad and his accountability, and is creating these new narratives. He wants to be the center of attention. He wants to be playing the victim card. Look, you can do this once, you can fool people sometime, you cannot fool people all the time. जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे तो कहाँ, हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। तो इसलिए मन के अंदर अगर कुछ है, उनको लगता है कि कुछ उनके पास गलत है जिस पर ईडी छापा मार सकती है, तो वो जाने वो बता सकते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपको परिचय करवा देते हैं उनसे। धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सफीन कुरैशी नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर एच एन उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस, और अविरल मलिक नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी, सबसे पहले आपसे सवाल यह कि ये राहुल गांधी जी को भविष्यवाणी कब से होने लगी, उनको ये अंतर मन में ये कब से आने लगा कि ईडी मेरे घर आने वाली है, चाय बिस्किट मेरी तरफ से,
ये क्या है सर, ये कोई स्ट्रेटजी है या फिर वाकई में उनको कोई इंटेल मिल रही है ईडी से? शिवम जी आपको नमस्कार, अपने पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए इस देश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हमेशा उन पर जो गलत कार्यों उनके लेकर विरोध करता है, हमला करता है, किसानों मजदूरों युवाओं बेरोजगारों की बात करता है। आपको याद होगा जब संसद जी ने अडानी की बात कही थी तो उनकी किस तरह से सदस्यता रद्द की गई, किस तरह से उन्हें उनके बंगले खाली कराए गए। तो उस दिन का जो भाषण था एलओपी के रूप में राहुल गांधी जी का, और हमने इसी चैनल पर या कहीं पर बहुत पहले ही कहा था कि राहुल जी को अभिमन्यु की तरह घेरा जा रहा है, जिसको राहुल जी ने खुद कहा। लेकिन वो अभिमन्यु तो मारे गए थे, ये अभिमन्यु को ये चक्रव्यूह वाले मार नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके साथ करोड़ों बेरोजगारों युवाओं किसानों महिलाओं का आशीर्वाद है, और हमारे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले लोग जो है हर जगह, जैसे आपने कहा ईडी या किसी अधिकारी से इनको सूचना मिली है, क्योंकि इन्होंने हमला किया है अपने बातों से लोकतंत्र को बचाने के लिए, इनके गलत कार्यों का विरोध करने के लिए। तो ये लोग अपने तीसरे कार्यकाल में भी राहुल जी को जेल नहीं भेज पाए, 50-50 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन आप जानते हैं कि ईडी आज को इन लोगों ने ऐसा अधिकार दे दिया है कि किसी से पूछताछ कर सकते हैं, किसी को कुछ समय के लिए जेल भेज सकते हैं। उस आधार पर राहुल जी, और वैसे भी आप देखिए राहुल जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, जहां हमारी पार्टी की पिछले विधानसभा में लगभग 2% वोट थी, वहां पर राहुल जी मोदी जी की अपेक्षा लोकप्रियता में आगे बढ़ चुके हैं। 36% लगभग राहुल जी की लोकप्रियता है, 32% प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है। तो जिस तरह से जननायक के रूप में इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे ये घबराए हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से चुप कराया जाए, किस तरह से संसद और सड़क से हटाया जाए, और नहीं तो हम लोगों की गलतियों को ये लगातार जनता तक पहुंचाते रहेंगे और हमारे मंसूबे को तोड़ते रहेंगे, फेरते रहेंगे पानी उस पर। तो उनके भी अधिकारी हर संस्था में होंगे जो लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करना चाहते हैं। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक तो अभी डॉक्टर एच एन उपाध्याय जी ने जो कुछ कहा आप उनका जवाब दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई इनसिक्योर हो गए हैं आप, राहुल गांधी का जो लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि आप लोग इनसिक्योर हो गए हैं। दूसरा कि ये राहुल गांधी को ईडी तो जहां तक मुझे पता ऑटोनोमस बॉडी है और डायरेक्ट गृह मंत्रालय को सूचित करती है, सब कुछ राइट अलग लेवल पर है, भाई इनको कैसे इंटेल मिल रही है कि ईडी इनके यहां जाने वाली है? ईडी के अधिकारी ऐसे हैं क्या, पहले ही बता दे रहे हैं कि दही भैया तैयार हो जाइए हम आने वाले? अविरल जी राहुल गांधी बोलते हैं वो केवल झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलने के सिवा कोई काम नहीं करते। और जिस तरीके से उपाध्याय जी यहां बोल रहे थे, उपाध्याय जी को इस विषय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का ईडी के साथ क्या रिश्ता है। हमारा कोई किसी प्रकार का रिश्ता नहीं है, और ये तथ्यों के साथ बोले, सबूतों के साथ बोले, एविडेंसेस के साथ बोले, इनके पास सबूत होने चाहिए। ये बिना सबूतों के बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए जनता के ऊपर यकीन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंसियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता। और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं तो इस देश की जनता अवेयर है, जागरूक है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को त्रिभार जनता ने चुना है और इस बात पर मोहर लगाई है कि जितने भी आरोप लगा रहे हैं ये सब तथ्यों से परे हैं और बेबुनियाद है। उसके साथ साथ रही बात जिस तरीके से ये अपने आप को विजयी घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं या राहुल गांधी की गौरव गाथा ये बता रहे हैं, तो इस बात को इन्हें मालूम होना चाहिए जिस तरीके से इन्हें 99 सीटें मिली हैं, ये 99 बड़ा होता है या 303 बड़ा होता है या 240 ही आप मान लीजिए 240 बड़ा होता है। जिस तरीके से एनडीए की 303 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी की 240 की आप बात के लिए कर लीजिए,
तो 240 का आंकड़ा बड़ा है या 99 का आंकड़ा बड़ा है, सबसे पहले इन्हें इस बात को तय करना होगा। जिस तरीके से राहुल बाबा अपनी बात कहकर खुद ही फंसते हैं, हमें कोई आवश्यकता कुछ कहने की नहीं होती है। ये हिंदुओं को हिंसक बताने वाले लोग हैं, हिंदुओं को असत्य बोलने वाला बताने वाले लोग, हिंदुओं को नफरत फैलाने वाला कहने वाले राहुल गांधी ही हैं। इसीलिए देश जनता भलीभांति अवगत है कि राहुल गांधी के क्या वक्तव्य होते हैं और राहुल गांधी के क्या विचार हैं और कांग्रेस पार्टी के क्या विचार हैं। इनके पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, उनके द्वारा तो यहां तक कह दिया गया था, हिंदू आतंकवाद शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया था। तो हिंदुओं का अपमान करते हैं, राष्ट्रवादी लोगों का अपमान करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग पर कुछ नहीं बोलते हैं, चुप्पी साथ जाते हैं, मौन स्वीकृति एक प्रकार से प्रदान करते हैं। ठीक है, बहुत ही दुखद है। ठीक है विरल जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सफीन कुरैशी जी, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि भाई मेरा चक्रव्यूह वाला जो बयान था वो 2-in-1 को पसंद नहीं आया। अब उन्होंने कहा कि अब मेरे यहाँ ईडी की रेड होने वाली है, मुझे अंदरूनी लोगों ने बताया है कि मेरे यहाँ ईडी की रेड हो रही है, हम चाय और बिस्किट लेके तैयार हैं, स्वागत है। यानी कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश की जा रही है या फिर कहीं से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि दाल काली है या पूरी की पूरी रावस, मतलब एक तरीके से कहें कि दाल में काला या पूरी दाल काली। सफीन जी, देखिए पिछले 10 सालों से हम आप देखते चले आ रहे हैं किस तरह से टीवी और ईडी का इस्तेमाल भाजपा ने किया। जब उनको सत्ता कहीं से हासिल करनी होती, किसी प्रदेश वहां के प्रदेश के जो विपक्ष के नेता हैं उन पर दबाव बनाने के लिए ईडी सीबीआई का खेल खेला जाता है, और एक छोटे से गुंडे को भी आने कार्रवाई के बारे में पता चल जाता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है। तो सीबीआई की अगर कहीं से उनको इनपुट मिला है तो जाहिर कहीं ना कहीं से मिला ही होगा, किसी न किसी अधिकारी से मिला होगा। और इससे पहले भी हम लोग क्या देखो केजरीवाल के साथ, केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ, हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, और आगे भी इन चीजों के साथ एक फिर चलना। सफीन जी, ये आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है, तो थोड़ा आप जो है फोन वो कान के पास लगा लेंगे तो आवाज क्लियर आएगी। देखिए इस वक्त जो मुद्दा है, मुद्दा ये नहीं है कि हेलो जी जी, मुद्दा देखिए इस वक्त अहम बात क्या है, सफीन जी मैं ये कह रहा था आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा बच के आ रही है, तो थोड़ा सा आप अपना फोन कान के पास लगा लेंगे तो आपकी आवाज क्लीन आएगी। भ्रष्टाचार में जिस भाजपा का हाल ये हो रहा है कि संसद भवन की छत देखिए, नया संसद भवन है उसकी छत नहीं करेगी, इसके जवाब सरकार ने कौन देगा। बहुत ही ढीढ़ा मुद्दा कहता था, बड़ी शान के साथ नया संसद भवन बनाया गया था, उस संसद भवन में कैसे बारिश का पानी संसद भवन के अंदर आ रहा है। आदरणीय मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि किस स्तर का उन्होंने काम करवाया है कि नया संसद भवन 8 करोड़ रुपए का संसद भवन बना है, उसमें से पानी लीक कर रहा है। ऐसे पानी लीक कर रहा है जैसे पेपर लीक कर रहे हैं, संसद भवन लीक कर रहा है, एयरपोर्ट लीक कर रहे हैं, नई नई बिल्डिंग तामीर की भी, यहाँ तक प्रभु श्री राम का मंदिर भी लीक कर रहा है। ये भ्रष्टाचार है, भाजपा का हाल है। देखिए सत्ता से जनता ने तो उनको उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बैसाखी के सारे पैसे भी राहुल गांधी कह रहे हैं जनगणना कराने की समस्या यह है कि भाजपा के लोग उसे ही हिंदू मान रहे हैं जो भाजपा में है। विपक्ष पार्टी में रहने वाले लोगों को ये हिंदू नहीं मानना चाहते, विपक्ष पार्टी का ब्राह्मण होगा इनको हिंदू नहीं रखता, विपक्ष पार्टियों में अगर इनको राजपूत है तो इनको हिंदू नहीं रखता, विपक्ष पार्टी में कोई पिछड़ा है तो इनको हिंदू नहीं रखता, इनको हिंदू वही नजर आ रहे हैं जो भाजपा में है या आरएसएस में है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। ये अपने साथ खड़े होने वाले लोगों को हिंदू मानते हैं, लेकिन अगर विपक्ष में वो लोग हैं तो हिंदू नहीं मानते। ठीक है सुशील कुरैशी जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, धनुज कुमार जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा ट्वीट करके कि भाई मेरे यहां अब ईडी की रेड होने वाली है क्योंकि चक्रव्यूह वाले बयान से कुछ लोग असहज हो गए हैं, मुझे पता चला है। अब सवाल ये कि ये राहुल गांधी का केजरीवाल वाला अवतार कब हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया है। और उससे भी बड़ा सवाल तो ये
कि पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी में भी अगर राहुल गांधी की इतनी पकड़ है कि कोई भी रेड होने जा रही है या कुछ होने जा रहा है, हालांकि होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है वो तो राहुल गांधी ही जानते हैं, लेकिन अगर होने जा रहा है तो अगर ईडी पहले ही जाके अगर बता रही देखिए हम आपके यहां आने वाले हैं तैयार हो जाइए सब कुछ क्लीन करके रख लीजिए, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। धनुष जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने सभी को सुना धैर्यपूर्वक, निवेदन के साथ कि हमें भी धैर्यपूर्वक सुने जी। दो लाइन से शुरुआत करता हूँ और आप समझ जाएंगे कि मैं किन के लिए बोलता हूँ। हद कर देते हैं अपने उलूल जुलूल हरकतों से, हद कर देते हैं अपने उलूल जुलूल हरकतों से, जनाब हर बयान देते हैं गुस्से और नफरतों से, जनाब हर बयान देते हैं गुस्से और नफरतों से। देखिए सैद्धांतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एजेंसी की एहतराम करनी चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। और दूसरी बात कि यह दुर्भाग्य है कि मान लीजिए पहले से ही जो जमानत पर है उनके लिए क्या हवलदार, क्या एसपी, क्या डीएसपी, क्या ईडी, वो तो रात को भी सोते तो डर डर के सोते हैं, लेकिन वो सदन में बता नहीं पाते हैं कि मुझे नींद नहीं आती क्योंकि मैं परेशान हूं, कब मुझे आके उठा के ले जाएगा। ये तो मेहरबानी मोदी जी की है, ये मेहरबानी मोदी जी की है कि मोदी जी उनको अभी यूं कहिए उनके अनुकंपा पे है वो, क्योंकि जो जो उनका गुनाह है उससे तो कब का पहले, केजरीवाल से पहले इनको जेल जाना चाहिए। जो कि अभी अभी बोल रहे थे उपाध्याय जी कि ये कर दिया, अरे सुप्रीम कोर्ट में कहते थे जो कि हम वीर को भी ये लोग नहीं मानते, जब देश हमारा गुलाम था तो उस टाइम हर कोई गुलाम था, जब देश गुलाम था ना उस टाइम हर कोई गुलाम था, वीर सावरकर जी जो थे वो भी भारतीय पुत्र थे तो वो भी गुलाम थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू गुलाम थे, ठीक है, महात्मा गांधी गुलाम थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गुलाम थे, लेकिन उनका भी अपमान करने से बाद नहीं आते। ये वीर सावरकर को डरपोक कह देते हैं, उनके लिए भी कई बार बयान देते हैं, ऐसे लोगों की अहमियत भारत में है नहीं। चुनाव जीतना एक अलग बात है, चुनाव तो आप देख लीजिए खालिस्तानी जेल से जीत गया, ठीक है, एक नफरत भरा बयान देने वाले श्री कश्मीर से जीत गया। लीडर होना और लीडर होना, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, लीडर होना, लीडर होना उनके विनम्रता और उनके व्यावहारिकता पर है। हमारे देश में बहुत सारे नेताओं को मैंने देखा और देखता ही रहता हूं, नेताओं वाला जो लक्षण होता है कि कहां क्या बोलना चाहिए, आपको जनता ने चुनकर भेजा दो जगह से, आपने एक जगह रिजाइन कर दिया, फैसला नहीं ले पाए कि कौन जगह रहना कौन जगह नहीं रहना, जब परिवार के लोग को उतारना है तो आप रायबरेली छोड़ देते, आप बायनाड रहते, आपके जो भाईजान लोग हैं वो बेचारा दुखी है, जितने भी भाईजान है दुखी, अभी ये कह रहे थे उनको हिंदू बोलूं कि क्या बोलूं, लोग हिंदू मानते ही नहीं। अरे भाई साहब सफीर साहब आपके बेटा को लोग हिंदू क्यों मानेगा भैया, सफीर साहब मुझे जवाब दीजिए ना, आपके बेटा को लोग हिंदू क्यों मानेगा, हिंदू के बेटा को हिंदू मानेगा, अरे हिंदू के बेटा को हिंदू मानेगा, मुस्लिम के बेटा को हिंदू मानने का रिवाज कहां है मुझे बता दीजिए, और हिंदू के बेटा को मुस्लिम मानने का रिवाज कहां है, अगर कहीं रिवाज हो तो मुझे बता दीजिए कि हाँ भाई कहीं रिवाज है, जब पूरे भारत में यह रिवाज है कि जिसका बाप जो है जिसका दादा जो है वही होगा, अगर बाप मुसलमान है तो बेटा भी मुसलमान होगा, बाप हिंदू है तो बेटा भी हिंदू होगा। धनुष जी तो देखिए, धनुष जी मेरा ये मानना है कि अभी हिंदू मुसलमान पे नहीं जाते हैं, अभी इसी पे रहते हैं कि भाई ये चीज कैसे पता चल रहा है कि ईडी की रेड होने वाली नहीं होने वाली, वो तो बात की बात, लेकिन मान लेते हैं अगर एक क्षण के लिए होने वाली है और अगर ईडी मतलब रेड करने से पहले पता चल रहा है राहुल गांधी को, तो ये तो फिर ये तो खतरे वाली बात है। देखिए अगर मैं विपक्ष के नजरिए से आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या पहले ईडी का रेड नहीं हुआ क्या, क्या ये लोग हाइकोर्ट में छाती नहीं पीटे, जो श्रीमती सोनिया गांधी इतने वरिष्ठ लीडर, क्या वो ईडी से पूछताछ नहीं हुआ, क्या उससे भी बड़े नेता है क्या राहुल गांधी, अपने माता श्री से तो बड़े नहीं है, क्योंकि सारा विपक्ष कहते हैं उनकी बातों पर विपक्ष आ भी जाते हैं, तो जब मान लीजिए हेराल्ड केस था पूछताछ नहीं होगी क्या, घोटालेबाजों से पूछताछ नहीं होगी किनसे होगी, अगर आप अमेरिका वाले से पैसा लिए गैर कानूनी तरीके से अगर उस पर पूछताछ हुई तो क्या बुराई है, अगर आप चाइना वालों से पैसा ले रहे हो देश के एक पदस्थ प्रधानमंत्री को पदस्थ करने के लिए तो क्या आप पे जांच नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप झूठ बोलकर कहते हैं मैं 50-300 रुपया दूंगा
तो कहीं ना कहीं आपके पास चोरी का पैसा है, तभी तो दे रहे थे हा? आप जनता को साइन करके दे रहे थे, लिख के दे रहे थे, ठीक है। आपके जितने सुने लाभ करने दीजिए, उन्होंने कहा छाती पर लिख के चलते प्रधानमंत्री, भाषा देखे इनका, जो खुद छाती पर लिखा है चोर लुटेरा डाकू, जिनके मस्तक पर लिखा हुआ है कि हम घोटालेबाज हैं, पूरा देश जानता है भाई, पूरा देश जानता है घोटालेबाज है, ठीक। अब इनके नेता के भी नहीं जानते क्या, कीमती कीमती चोटी थे जो उन्होंने ले गया तोड़ के, तो क्या देश को आप समझा पाइएगा क्या? आज कह रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं, हमारे पत्रकार भी कहते हैं कि सुना है कि भाई यादव जी तो चोटी चोर करके चले गए, चोटी लेके चले गए मुख्यमंत्री यहां से, इसको कैसे मिटाइएगा? जो दाग लगी हुई दामन में कोई सिरमल मिटा नहीं सकता, आप काल ठोके बोलिए, ठीक है, बोल नहीं सकते, ठीक है धनुष जी, ठीक है मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। उपाध्याय जी, धनुष जी तो बहुत कुछ कह गए, हालांकि आप उनकी अगर मतलब उनके आरोपों का अगर आपको जवाब देना हो, उन्होंने जो कुछ भी कहा दे लीजिएगा, समय मैं आपको भरपूर दूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर तो ईडी से पहले ही पता चल जा रहा है तो फिर आप लोग को दिक्कत क्या है? सवाल यह कि अगर दाल में काला नहीं है तो फिर डर किस बात का, ईडी आए या कोई भी आए? मतलब राहुल गांधी क्या ये बयान देके दो तरफा, या मैं तो कह रहा हूं चौतरफा फंस गए हैं क्या? उपाध्याय जी, शिवम जी, पहले अच्छा आप ही की बात का जवाब दे ले रहा हूं। जैसा आप कह रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी ने तो कहा है कि मैं स्वागत कर रहा हूं उन लोगों का चाय बिस्कुट के साथ। पहले भी उन्होंने उनसे पूछताछ की, 50-50 घंटे जवाब दिए, कुछ भी पता नहीं चला उसमें क्या हुई। और इसी तरह से ये लोग बोफोर्स को लेकर 1989 में यही लोग राजीव गांधी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए और अंत तक कोर्ट ने उनको बरी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इनको आरोप तो आप लोगों ने भी राफेल पे लगाया था, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो कोर्ट ने उस पर प्रक्रिया पर मलन कर दिया तो ठीक है, और सरकार आएगी जांच कराएगी। लेकिन बोफोर्स का तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि उस पर राजीव गांधी का इनवॉल्व थे, सरकार को बदल दिया इन लोगों ने गलत और झूठ बोल करके, ऐसे ही आज बोल रहे हैं, जनता को भरमा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल जी निडर है, वो डरने वाले नहीं है। राहुल जी का परिवार स्वतंत्रता के पहले, उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं ऐसा है जो जेल नहीं गया हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी, कमला नेहरू उनकी पत्नी, यहां तक कि राहुल जी की दादी इंदिरा जी भी जेल गई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और डरी नहीं, ठीक है। इंदिरा जी और राजीव जी तो देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गए, बताइए वो डरी? उनको किस बात का डर भाई? लेकिन हो गई देश की एकता अखंडता समझौता नहीं किया। एक सेकंड, ये उपाध्याय जी, ये गांधी परिवार का कौन दो आदमी बेल पे घूम रहे बाहर? सुनिए, तो बेल पर घूम रहे ये तो शिबू सोरेन जी को जेल भिजवा दिया और कोर्ट ने कहा वो कहीं से इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उनको भी कहेंगे कि जो कोर्ट ने तो कह दिया कहीं से इन्वॉल्व नहीं लग रहे हैं, तो इनकी मर्जी है। ये जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हेराग में अपील किया था, वो तो मोदी जी सबसे बेकार प्रधानमंत्री मानते हैं, सबसे बेस्ट मान रहे हैं, वो तो कहते हैं अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो बताइए उन्हीं की बात मानना है तो यह अटा गद्दी से सुब्रमण्यम स्वामी की बात माननी है तो बताइए वही व्यक्ति ने सबसे बेकार कह रहा है। अब आ रहे हैं हम धनोज जी, उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, एक वक्त था सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुनते कांग्रेस पार्टी सूख जाती थी, आज आप लोग कसीदे पढ़ रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी का, समय का ये भी दौर देखने को मिल रहा है, अच्छी बात है। उन्हीं के पार्टी के नेता है अभी भी और वो कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, ठीक है। अब आ रहे हैं धनोज जी की बात पर, आप बताइए जो कोई भी डिबेट होगा, अविरल मलिक जी हो चाहे धनोज जी हो, उसको हिंदू मुसलमान के बिना इनका काम नहीं चलता है। हिंदू की बात अच्छा बताइए, राहुल गांधी जी के पूर्वजों का हमने नाम लिया सब, ठीक है, और राहुल गांधी जी ने अपनी जाति का एक दो बार वर्णन भी कर दिया है, तो बार बार ये कहते हैं इनकी स्मृति ईरानी तो पारसी से शादी की है, फिरोज शाह भी जो पारसी थे, इंदिरा जी आरणी शादी की थी और वो सिंदूर और मंगलसूत्र लेकर घूम रही है, अपने तो सबसे बड़ा हिंदू बनती है, उन पर कभी नहीं जवाब दिया इन्होंने, तो कैसे हिंदू हो गई भैया? तो हमारे संविधान के तहत जो भी है अपनी जाति धर्म का पालन कर रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ब्लड है उनके अंदर, मोतीलाल नेहरू का ब्लड है, कश्मीरी पंडित जो थे, ठीक है, वही निरर वाला है,
तो डरने वाले नहीं है उपाध्याय जी मैं एक चीज नहीं समझ पाया। जैसे मान लीजिए आपका नाम है एच एन उपाध्याय, अब उपाध्याय आपका सरनेम है, मैं आपको पूछ लिया तो आप इसे गाली कैसे ले सकते हैं? अगर ये पूछ लिया जाए, हालांकि जिन्होंने ये जिक्र किया उन्होंने किसी का नाम स्पेसिफिकली लिया नहीं था, लेकिन ये कहा गया भैया मुझे कहा गया, मुझे गाली दी गई, ये हर जगह राहुल गांधी क्या सिंपति लेने की कोशिश कर रहे हैं क्या उपाध्याय? ये तो है, मोदी जी तो कहते हमको ढाई ढाई किलो रोज गाली मिलती है, कहाँ उनको गाली मिलती है? वो तो इस 15-11 साल में कम से कम दर्जनों बार से अधिक कह दिया कि मेरी हत्या हो सकती है, पंजाब जाएंगे तब कि हम बच कर निकल आए, अपने मुख्यमंत्री से कह देना। अब रह गया कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया, जैसे जाति पूछने का जगह होता है उसका लहजा होता है, आप जैसे पूछेंगे ठीक है तो आपका उद्देश्य नहीं है लज्जित करना, ठीक। दूसरी बात, संसद में उन्होंने कहा जो जाति गणना की बात करते हैं वो उनको अपनी जाति नहीं पता, वो जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना की बात करना क्या बुरा है भैया, उसमें जाति और धर्म से क्या लेना है? आप हम लोकतंत्र में पिछड़े दलितों की हक की बात कर रहे हैं उसको काम। अच्छा ठीक है उपाध्याय जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर मैं अग्रवाल जी के पास जाऊंगा। ये जो 2000 सेंसस वाला जाति जनगणना करवाई गई थी वो रिपोर्ट आज तक बाहर क्यों नहीं आई उपाध्याय जी? इन्होंने 10 साल में क्यों नहीं बाहर की, कर दीजिए बाहर। अरे भाई आपकी सरकार थी 2013 में, मतलब आपकी आप जब आपके हाथ में सब कुछ था आपने नहीं किया, अब वो आपको लग रहा है कि भाई हमने करके दिया है वो करवा दीजिए। अच्छा, मतलब आपको हाथ में क्रेडिट लेने की क्यों जरूरत पड़ जाती है उपाध्याय जी? सुनिए शिवम जी, आदरणीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे ना, वो कुछ थे, फिर भी उन्होंने उसके लिए अपनी गलती मानी कि हमको उस समय कर देना चाहिए था। आप 10 साल 11 साल हो गया क्यों नहीं आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं? हाँ बताइए, तो जो अगर मान लिया कहीं कुछ चूक हो गई है तो क्या जरूरी है उसी को उलाना देकर हम काम नहीं करेंगे? नहीं काम नहीं देंगे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जवाब दीजिए, मोदी जी ने अपने नोटबंदी के लिए तो माफी नहीं मांगी आज तक। नहीं ठीक है, अगर ठीक है जवाब ले लेते हैं अग्रवाल जी, जवाब दीजिए। गाड़ी का रेला लगा दिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया, बिल्कुल। ये व्यक्ति अपने के नेताओं के लिए जबकि प्रधानमंत्री नहीं थे कुछ, हाँ नहीं ठीक है, सरकार के लिए ठीक है। उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा, अग्रवाल जी जवाब दीजिए इनके सवालों का। जी देखिए, जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं तो अपने कारनामे भी एक बात जरा सुन ले, ये वो कोर्स घोटाले के विषय में बोलेंगे क्या, टू जी के विषय में बोलेंगे क्या, आपकी सरकार आपके लोगों ने फर्जी चलाया था, आज तक कोई सिद्ध नहीं हुआ, सब लोग बाहर हो गए और हमारी सरकार ने जेल भेजा था उन लोगों को, जांच में सब लोग बाइज्जत बरी हो गए। आपने तो किसी को जेल भेजा अपने लोगों को बताइए जो है, और पार्टी में शामिल कर रहे हैं चाहे अजीत पवार जी हो चाहे प्रफुल्ल पटेल जी हो चाहे जो भी हो, उनको तो आप जो है वॉशिंग मशीन में धोकर आपसे ईमानदार बना रहे हैं जितने बेस्ट लोग हैं, क्योंकि ये चिल्लाते रहे इनके बीच में, मैं इनके बीच में नहीं चिल्ला रहा था। नहीं ठीक है उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा, अविरल जी बोलिए। मुझे शायद लगता है कि इन्हें डिबेट का जो डिबेट जिस प्रकार से होती है वो भी शायद इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें डिबेट का तरीका भी नहीं आता है। बोलिए, अब इन्हें सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, मैं एक एक करके गिनाऊंगा। नहीं ठीक है उपाध्याय जी नहीं बोलेंगे, आप बोलिए अविरल जी बोलिए। जी देखिए, इन्होंने जिस प्रकार से घोटाले किए, 60 साल तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और विकास नाम की चीज इस देश में नहीं थी, खाते हमने खुलवाए बैंकों में, सबसे बड़ा उदाहरण ये है, पहले रुपया गिनता था अब रुपया सीधा पहुंचता है, ये फर्क है इनकी सरकार में और हमारी सरकार में। हमने बिचौलियों को समाप्त किया, उसके साथ साथ जिस तरीके से अनेक घोटाले के द्वारा किए गए, टाटा ट्रक घोटाले की बात कर ली जाए, उसके साथ साथ डीएलएफ घोटाले की बात कर ली जाए, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड घोटाले की बात कर ली जाए, सत्यम घोटाले की बात की जाए, आईपीएल घोटाले की बात की जाए, मधुकोड़ा के घोटाले की बात कर ली जाए, उससे आगे अगर बढ़ा जाए तो गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड के घोटाले की बात कर ली जाए, इमरजेंसी की बात कर ली जाए, तो ये इनके काले कारनामे हैं, इनकी करतूत है जो जनता के सामने है और उजागर हो चुकी है, इसीलिए घबराए हुए हैं। ये जिस तरीके से लगातार 7 साल तक जनता को लूटते रहे, टैक्सपेयर के पैसे को लूटते रहे, गरीब के खून को चूसने का काम करते रहे, गरीब के हक को मारने का काम करते रहे, स्वार्थ सर्वोपरि के आधार पर ये आगे बढ़ते रहे, अब जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। नहीं ठीक है अविरल जी, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। मेरा एक सवाल था कि क्या ये ईडी सच में रेड करने वाली है क्या राहुल गांधी के यहाँ?
और जहां तक ईडी और सीबीआई की बात है तो मेरा एक छोटा सवाल और है कि राहुल बाबा को कैसे मालूम पड़ा। ये तो आप बताइए, वो तो कह रहे हैं कि कोई अंदरूनी है, ईडी का अधिकारी है, अंदरूनी हमें खबर मिल रही है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी सेध लग चुकी है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की कोई भी फर्जी खबर फैलाना गलत है। कल को मैं भी कह सकता हूँ और कुछ भी कह सकता हूँ इस प्रकार से, तो कांग्रेस के संबंध में कह सकता हूँ और उसके बाद में अगर सूत्र पूछा जाए तो मैं कह दूंगा सबूत के लिए कि कोई अंदरूनी व्यक्ति है, वरिष्ठ नेता है, उसके द्वारा मुझे कहा गया। लेकिन सबूत देने चाहिए, पब्लिक डोमेन में अगर बोल रहे हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबूत के साथ बोले, ये उस अधिकारी का नाम बताएं अगर है। इनके पास कोई नाम नहीं है, मुझे अच्छे से मालूम है, कोई अधिकारी नहीं है, ये केवल झूठ बोल रहे हैं, जनता को बरगलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं और एक प्रकार से अपराध है। ये जनता को छलना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, जैसे इन्होंने 7 साल तक ठगा है, जिस तरीके से इन्होंने घोटाला किए हैं, इन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद के आधार पर जिस तरीके से 7 साल देश में सरकार चलाई, इस देश को जिस तरीके से ठगने का काम किया, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया और किसी क्षेत्र में विकास नहीं किया। डिफेंस सेक्टर की बात कर ली जाए, हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, विदेश नीति की बात की जाए, किसी भी क्षेत्र में बात कर ली जाए, कृषि की क्षेत्र की बात की जाए, किसान परेशान थे इनके समय में जिस तरीके से भारत से ठीक है। सफीन कुरैशी जी, ठीक है अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा। सफीन कुरैशी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे राहुल गांधी को अभी ये हो रहा है कि उनको भी इंटेल मिल जा रही है कि भैया ईडी आने वाली है, मैं चाय बिस्किट लेके तैयार हूँ, आ जाइए, सब कुछ है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी कभी ईडी से ऐसे इंटेल मिली कि सब तैयार हो जाइए, ईडी आने वाली है, ऐसा कुछ उनके साथ भी हुआ? हुआ तो नहीं, लेकिन भाजपा की एक मानसिकता बनी है ना कि ईडी और सीबीआई को कैसे इन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अब तक ईडी ने, ईडी डिपार्टमेंट ने जो दो अधिकारी सामने हमने आके घर जाते, सीबीआई के डायरेक्टर बन जाते इसी सरकार में। और ये जो बात कर रहे हैं भाई साहब, मलिक साहब, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई विकास नहीं था, मेरे ख्याल से जिन कॉलेज में आपने पढ़ाई पूरी की होगी या तो कांग्रेस के बनाए गए होंगे या समाजवादी पार्टी के बनाए गए होंगे। आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दौर में आया हुआ है और जब कांग्रेस भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं लगता भाजपा ने कार्रवाई करके उन लोगों को जेल नहीं किया, क्यों नहीं इनके खिलाफ अब कुछ पा पाए, क्यों घोटाला का कोर्ट के घोटाला अपने कुछ नहीं कर पाए, सारे घोटाले जो इन्होंने जो इल्जाम लगाए थे काबिल हुए, क्योंकि झूठ का पुलिंदा मेरे भाजपा करती है। अभी देखिए ना, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है और हमारी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ी जातियों के बड़े नेता हैं, उनके मंदिर में अगर वो जाते हैं प्रार्थना करने या दर्शन करने भगवान के, तो ये लोग उस मंदिर को धुलवाने का काम करते हैं, इस तरह से पिछड़ों को नीचा दिखाने का काम करते हैं, इस तरह से दलितों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। और भैसा बजी कह रहा है ना कि मुस्लिम का बेटा मुस्लिम कह रहा है, हिंदू का बेटा मैंने बिल्कुल कह रहा है, लेकिन भाजपा की आदत है कि भाजपा विपक्ष के हिंदुओं को हिंदू मानने को नहीं तैयार है। अखिलेश यादव जी के साथ कैसा भेदभाव करते हैं हिंदुओं के नाम पर, जो भाजपा में हिंदू है वो तो हिंदू है, आरएसएस में हिंदू है वो तो हिंदू है, समाजवादी पार्टी में हिंदू है, अगर कोई एक क्षत्रिय है तो उसको हिंदू नहीं मानते, कोई ब्राह्मण है तो उसको हिंदू नहीं मानते। इनकी मानसिकता ये है जो भाजपा में है जो आरएसएस में वो हिंदू है, बाकी जितना भी विपक्ष है वो हिंदू नहीं है। इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा और देश में जातियों का जो माहौल बना हुआ, जो जातियां हैं उसके हम नजर नहीं करेंगे। अच्छा, और सफीन जी, सफीन जी, आपकी पार्टी भी यही मानती है कि ईडी या सीबीआई या आईटी ये सब कुछ वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलती है? जो परेशान है, जिनको उनका हक नहीं मिला उनको हक देने में आपको क्या समस्या आ रही है भाई? नहीं नहीं, एक सेकंड, सफीन जी, मेरा सीधा सा सवाल है, आप भी, आपकी पार्टी भी यही मानती है कि ईडी हो या सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चलते हैं? अपनी की बात है, हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन नतीजे आने से पहले भाजपा वाले बता देते कि नतीजे में इतनी सीटें हम जीत रहे हैं, जैसे कि हमें इंटरनेट पर बता देते हैं चुनाव आयोग की डेट घोषित करने से पहले इनके नेता घोषित कर देते हैं कि चुनाव इस दिन होगा, तो ये सब इनको कहां से मिलती है इंटेलिजेंस रिपोर्ट?
ठीक है, ठीक है सफिन जी, ठीक है धनोज जी, धनोज जी देखिए पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, ब्यूरोक्रेसी है, सबकी सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चलती है। यही वजह है कि चुनाव की डेट से पहले भाजपा नेता अनाउंसमेंट कर देते हैं, यही वजह है कि ईडी इशारे पर चलती है तो जहां चाहती वहां भेज देती है। और अब तो उल्टा हो गया है भैया कि राहुल गांधी को भी यह पता चलने लगा है कि भैया तैयार रहिए, हमारे यहाँ ईडी आने वाली है। देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे सतीन कुरैशी साहब 37 सीट जीते हैं। अगर ईडी वीडी सब इनके सहारे चल रहे होते तो ये लोग बोल रहे होते क्या? ठीक है, तथ्यों पर बात करिए। तथ्य ये है कि विपक्ष का नेता झूठ बोलते हैं और ये पूरा भारत जानता। 8500 रुपया के लिए लाइन लग गया, क्या हमने जाके कहा था लाइन लग जाओ? क्या डॉक्टर धनोज कुमार ने कहा था कि 5 को यानी 4 को रिजल्ट आएगा, 5 को आके ले जाना 8500 रुपया, पहले किस जारी होगा? देखिए क्या होता है, ये लोग बोलते हैं, ये लोग की याददाश्त चली जाती है, ये लोग को लगा कि सरकार में आ गए। अभी देखिए सवाल क्या होता है, 15 लाख 2 करोड़ रोजगार आपको याद है, 2 करोड़ नौकरियां आपको याद है कि नहीं? भाजपा ने कहा और साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, सरकार नहीं बनी। बदतमीजी करना आप लोग की काम है क्योंकि आप बीच में मिले 2 करोड़ श्रीराम के पास, 20 करोड़ अरे श्रीराम पर गोली चलाने वाले उनके समर्थकों पर हिंदू होते हैं क्या? 20 करोड़ आपको बोलने के लिए नहीं कहा, मुझे कहा बोलने के लिए, जैसे चुपचाप सुनो, मुझे डिबेट में बैठे हो तुरंत आप ही जानते हैं कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान का बच्चा कौन हिंदू का बच्चा है। अभी उपाध्याय जी क्या अरे भैया नेहरू सर मैम मुझे बताओ कौन ऐसा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है कि मेरा बाप का नाम नेहरू और मैं बेटा गांधी? क्या महात्मा गांधी के? देखिए धनोज जी, देखिए ऐसे ऐसे नहीं बोलते हैं, देखिए जो हो गया ठीक है धनोज जी, देखिए टॉपिक पे जाते हैं, ऐसे किसी पे किसी के पूर्वज या किसी के पिता पे मारा ऐसे नहीं करते। नेहरू सर ने गांधी का जो मुझे पूछ रहा हूँ, मैं तो इनके नेता से भी पूछ रहा हूँ, गांधी के क्या जाते हैं? एक मुसलमान हिंदू के क्या जाते हैं? अगर मान लीजिए मरहूम इंदिरा गांधी शादी की है तो ये मुझे बता दे आप वो कैसे हिंदू हो गए? नहीं ठीक है, वो किसी दिन अलग डिबेट कर लेंगे, उस पर चर्चा कर लेंगे। धनोज जी मेरा सवाल यही है, धनोज जी मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, मैं समझ दूंगा आपको पूरा। मेरा सवाल ये था कि क्या सफीर कुरैशी जी, देखिए एक एक करके बात रखेंगे तो सब अपनी बात रख लेंगे वरना हो जाएगा। ठीक है धनोज जी मेरी बात सुनिए, धनोज जी मेरा एक सवाल था कि जिस तरीके से विपक्ष आप कह रहा है कि भैया देखिए ईडी हमारे यहाँ आने वाली है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हाँ देखो अभी अब पूरी तरीके से भाजपा बौखला गई है तो ईडी हमारे पीछे लगा रही है। लोकसभा चुनाव में हमने ये देखा कि जिस तरीके से विपक्ष एक नैरेटिव बनाया कि भाजपा जो है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सिर्फ विपक्ष को परेशान कर रही है और वो नैरेटिव काम होता हुआ भी दिखाई दिया लोकसभा में, वो परिणाम देखा हमने। क्या एक बार फिर से विपक्ष द्वारा, पूरे समूचे विपक्ष द्वारा एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जांच एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में? धनोज जी देखिए आपके पास फोर व्हीलर होगा, जब गाड़ी पंचर हो जाती है तो कुछ दूर तक चलती है, ज्यादा दूर तक नहीं चलती है, कुछ दूर तक चलती है, फिर उसका स्टेपनी बदलवाया जाता है,
फिर पंचर के दुकान पर जाके पंचर लगाया जाता है। इन लोगों ने 2024 में जो हल्ला काटा कि 8500 रुपया हम देंगे, जनता को नहीं मिला। अब ये लोग माहौल क्रिएट कर रहे, कोई और भी माहौल क्रिएट करे। अरे बोलने के फिर बोलने लगे, बताइए। इन लोग की परेशानी यही है, समझ गए, सभ्यता संस्कृति जरूरी है। ये लोग ना तो सब है ना इनके पास सभ्यता है। मैं इनको सुना धैर्यपूर्वक, जी धनु जी बोलिए। 8500 रुपया इन्होंने कहा, जिसमें गरीब मुस्लिम वर्ग की महिलाएं, गरीब मुस्लिम वर्ग, मैं कोट कर रहा हूं, गरीब मुस्लिम वर्ग की महिलाएं इन लोगों को वोट दिया इस उम्मीद में कि हमको 5 जून को पैसा मिलेगा। आपने भी लंबी लाइन देखे, पूरा मीडिया हाउस, राइट विंग, लेफ्ट विंग, अदर विंग, तमाम मीडिया ने दिखाया उनको। उस टाइम राहुल गांधी जी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला कि मैं या मेरे समर्थक ने ऐसा नहीं कहा। कोई भी क्लीन चिट नहीं आया, ना कांग्रेस पार्टी के तरफ से, ना विपक्ष के तरफ से, कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब है कि आपने झूठ बोलकर, ये तो 37 सीट देख रहे हैं, ये झूठ बोलकर 37 सीट लिए। दूसरी बात, फैजाबाद हारा, ये लोग क्या करे, अयोध्या हारा, अयोध्या विधानसभा में जीत हुई। इनके मुंह में 32 दांत नहीं है यह बोलने के लिए कि अयोध्या विधानसभा जीत गई। ये बोले झूठे आदमी, मैंने पंचर का इसलिए कहा, ये लोग कुछ दिन तक और चलेंगे। एक नेता जेल में है, दिल्ली के संजोदक और मुख्यमंत्री, वो कहते थे कि 54 नहीं, 54 नहीं, लेकिन पूरा देश ने देखा कि दिल्ली में एक बोतल पर एक बोतल फ्री हुई। ये सत्य है। जज साहब ने भी देखा, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने भी देखा, हाई कोर्ट के जज देखा, लोअर कोर्ट के जज का एक बोतल पर एक बोतल फ्री। आज देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के उनको जमानत दिया, फिर उनको दूसरा कोर्ट नहीं दिया, क्योंकि सबूत था तभी ना। अदालत चलती है सबूतों से, इनके फालतू बयानों से नहीं चलती है। अगर आपने चोरी की है, लूटा है, मान लीजिए इनके जो नेता है जो कह रहे हैं, चाय बिस्किट वाले नेता, क्योंकि एक सांसद का पैसा सरकारी पैसा होता है, और सरकारी पैसा से चाय पानी पिलाने वाले सरकारी आदमी को वो एक भ्रष्ट आदमी कर सकता है। ईमानदार आदमी कभी किसी एजेंसी को चाय पानी नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं ईमानदार हूँ, मेरे पास आएगा सलामी ठोक के जाएगा। क्योंकि ईमानदार आदमी का भारत में कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट आज तक कुछ नहीं कर पाया। तो जब आपके दाढ़ी में तिनका है और आप वैसे भी जमानत पर घूम रहे हैं, सबको पता, पूरा देश को मालूम है, आपको भी, मुझको भी, आप पैनल में बैठे हुए सभी लोग को, ये बार बार आदरणीय कहते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते कि मेरा नेता जमानत पर है। ये बोल ही नहीं सकते उपाध्याय जी, क्योंकि इनको बोलने से मना किया गया। तो ड्रामा करो ना यार, कौन रोका है? आपका ड्रामा पूरा देश देख रहा है। अब जो चुनाव होगा, अभी चुनाव होगा, तो 240 सीट जो देख रहे भाजपा का, वो 340 को बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन झूठों का नकाब पूरे देश ने देख लिया कि 8500 रुपया वो मासूम, वो निरीह आदमी जिनको पाकिस्तान की जरूरत है, ठीक है, उनको इन लोगों ने। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी देखिए, धनोज जी तो पूरी तरीके से बरस रहे हैं आप पे, और ये दिख भी रहा है, और आप देख सकते हो जिस तरीके से वो लगातार आपको, आपकी पार्टी को लेकर अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। मेरा सवाल उपाध्याय जी ये है कि देखिए, चुनाव में भरमाया तो गया जनता को, जो धनुष जी कह रहे हैं, इस बात से मैं पूर्णतया नहीं, लेकिन 70% इस बात से मैं अग्री करूंगा। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रही है, तो ये जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, ये ठीक थी कि नहीं थी, ये बता दीजिए उपाध्याय जी। इसके बाद आप आगे जवाब दे दीजिएगा धनुष कुमार का। वो बता रहे हैं शिवम जी, अब धनुष जी से हमारा निवेदन है, वो बीच में नहीं बोलेंगे, हम उनका बात ध्यान से सुन रहे थे। आप शिवम जी ये बताइए कि आदरणीय मुख्यमंत्री झारखंड शिबू सोरेन जी को लोकसभा चुनाव के पहले जबरदस्ती जेल भेज दिया गया ईडी आदि से, बताइए उनका कोर्ट ने क्या उनको सिद्ध कर दिया? उसका कौन जिम्मेदार है? तो ठीक है, चलने दीजिए। जो आप शायद हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं उपाध्याय जी, हेमंत सोरेन की, उनको भी तो भेजा था इन्होंने जेल में ईडी ने, जो नोट, और अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, अब सीबीआई ने उस पर केस कर दिया, तो ईडी से मिलता है तो सीबीआई से आईसी। और आदरणीय धनोज जी ने कहा भी हमसे, आदरणीय धनोज जी ने भैया, कि मोदी जी की कृपा है, इन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा, मोदी जी की कृपा है उनके पर, राहुल जी पर अनुकंपा है, इसलिए बचे हुए हैं। तो ये तो खुद स्वीकार कर लिए, ईडी सीबीआई मोदी जी के हाथ में है, और रह गया
धनोज जी कह रहे हैं बेसिक की बात कहते हैं, 8500 रुपए की बार बार कहते हैं, आप बताइए शिवम जी, कोई सरकार चुनाव के पहले जो घोषणा करती है वो सरकार बनने पर देने की बात होती है। ये तो सरकार बन गई तब भी 2 करोड़ नौकरी 15 लाख रुपया नहीं दिया, इसकी बातें नहीं करते हैं। जो बीच में बोलता है उसको बदतमीज कहते हैं। तो इनको भी पुरस्कार है, वो भी गाली ठीक रहे हैं धनोज जी, अच्छे आदमी थे, प्रवक्ता थे, लेकिन अब दिन पर दिन जो है, अब ये भी वही भाजपा वाली भाषा, जितने गाली गलौज करेंगे उतने इनका प्रमोशन होगा, हो सकता है भाजपा टिकट उकट भी दे दे। तो बताइए, जब 2 करोड़ नौकरी है, मैं आप कहते हैं कि हम जी आपसे भी शिकायत है, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख का इन्होंने कहा सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद अगर हम 8500 रुपए नहीं देते तो हम दोषी होते, हम पर जो सवाल करते हम जो है वो करते नहीं। तो अगर फिर ऐसे ट्विस्ट एंड टंग वाला खेल खेलेंगे तो वो नौकरी नहीं रोजगार की बात किए थे उपाध्याय जी, अभी अविरल मलिक जी बोल रहे हैं हम नौकरी नहीं बोले तो रोजगार बोले थे। अच्छा, तो रोजगार ही 2 करोड़ मिल गया, क्या सालाना 10 साल में 20 करोड़। ये तो अविरल जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं ना, अविरल जी से। मेरा तो सवाल का जवाब तो आप दिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हुई वो सही थी या गलत थी? सुनिए, अरविंद केजरीवाल को ईडी से बेल मिल गई, अब सीबीआई ने उस पर केस कर दिया, जांच होगा ना। ना ना ना, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा उपाध्याय जी। साफ साफ बताइए, अरविंद केजरीवाल पर सबसे पहले आरोप किसने लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? ऐसा है, अरविंद केजरीवाल दोषी है कि नहीं दोषी है तो न्यायालय का फैसला होगा ना, क्या है उसकी चिंता? न्यायालय का फैसला अभी तक नहीं हुआ ना, इसका मतलब क्या है? तो नहीं इनका मिल पा रहा होगा, जो भी शिबू सोरेन की भी तो बात करिए, उनको क्यों जेल भेजा गया, गलत फंसाया गया, उनका कोई प्रमाण मिला? उसी लिए ये क्या कर रहे हैं बताइए, और प्रफुल्ल पटेल जी हो, अजीत पवार जी हो, इन लोगों पर क्या कार्रवाई आज तक? आप बताइए, 8500 रुपए का प्रभाव आंध्र प्रदेश में नहीं पड़ा, ठीक है, इनका जो है गुजरात में नहीं पड़ा, और जहाँ पड़ा तो कह रहे 8500 रुपए की वजह से कम मुस्लिम महिलाएं गरीब इनको और दे दी। चलिए मैं बता देता हूँ भाई, आप कपड़े से पहचान रहे हैं, अविरल मलिक जी जवाब दीजिए, आपको देंगे जी। देखिए, जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि चोरी भी और सीना जोरी भी, और इसके ऊपर मुझे एक चीज और याद आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिस प्रकार से चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल में है, और गांधी परिवार के ऊपर और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस प्रकार से अनेकों आरोप हैं वो सबको नजर आ रहे हैं, लेकिन इसकी तुलना करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर एक पैसे का भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, इस बात को इन्हें देखना चाहिए। उसके साथ साथ जनता ने तीसरी बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मोहर लगाई, और उसके साथ साथ जिस तरीके से कई राज्यों से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, समाप्त हो गई, कांग्रेस मुक्त राज्य बन गए, दिल्ली से खत्म हो गए, उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से उड़ गए, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश नहीं। अविरल जी देखिए, अविरल जी एक सेकंड देखिए, ईडी वाली कार्रवाई को लेकर सवाल तब खड़ा होने लगता है जब प्रफुल्ल पटेल अचानक आपकी पार्टी में आते ही एकदम ठीक ठाक हो जाते हैं, अजीत पवार आपके पार्टी में आते ही एकदम धुले हो जाते हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आपको याद ही होगा वो भी आपकी पार्टी में आते हैं तो भैया साफ सुथरे हो जाते हैं, सारा मामला ठंडा हो जाता है। मतलब सवाल तो यही खड़ा हो जाता है ना कि भैया जब तक विपक्ष में थे तब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी, जैसे ही आपके यहाँ आते हैं ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला जाता है तो विपक्ष को समझ में आ जाता है कि भैया ये तो इनके इशारे पे काम चल रहा है। जी देखिए, मैं एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, और जो भ्रष्टाचार करता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नहीं है, और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, जो आरोप है, आरोपों की जांच अगर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी का जांच से कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार से हम किसी जांच को कभी प्रभावित नहीं करते हैं, एजेंसियां स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, इस बात को समझ। ठीक है, देखिए समय का अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धनुज कुमार जी आपका भी, सफीन कुरैशी जी आपका भी, डॉक्टर रोहित चैन उपाध्याय जी आपका भी, अविरल मलिक जी आपका भी, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल वही कि ईडी वाला दावा हकीकत या दिखावा, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी हमारे आने वाली है और हमें अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि ईडी आएगी,
तो हम तैयार हैं, आइए, कोई बात नहीं, हम चाय और बिस्किट से स्वागत करेंगे आपका और कोई टेंशन नहीं है। सवाल तो अब यही खड़ा हो जाता है कि अरविंद के ये अरविंद केजरीवाल वाला जो ये अंतरात्मा है, ये क्या राहुल गांधी के अंदर भी आ गई है या वाकई में ईडी की रेड होने वाली है? और अगर होने वाली है तो राहुल गांधी को पहले ही पता चला, पहले ही पता चला तो ब्यूरोक्रेसी पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पे कि कैसे पता चल रहा है सब कुछ, कौन है मुखबिर ईडी के खेमे में या ईडी अधिकारियों के अंदर जो राहुल गांधी को सारी बातें उन तक पहुंचा रहा है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉच। नमस्कार।